हेलो एवरीवन वन सी के सफल बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम साथ मिलकर पढ़ रहे हैं दी सब्जेक्ट ऑफ लीगल स्टडीज तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पार्ट पार्ट तो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया किया हमने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेंजेबल इनटेंजेबल प्रॉपर्टी उनके डिफरेंसेज क्या है इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है और असेंशियल क्या क्या है एक वैलिड ट्रांसफर के ये सब चीजें हमने में डिस्कस की। so, की तो आज क्लास का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पार्ट टू जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स हम आज क्लास में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज योर सेल देन योर लीज देन एक्सचेंज गिफ्ट

IPRs. IPRs क्या है आपके? अब in हमारे कॉपी राइट ट्रेड मार्क्स है या पेटेंट्स हैं हम उनको पढ़ते हैं तो इन द लास्ट क्लास इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बट इन टूडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ आई पी आर्स इन डिटेल नाउ लास्टली वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चन आज हम जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चन टूडे नाउ लेट एस प्रोसीड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल तो सेल का मतलब क्या है यूजुअली हम जनरल पार्लेंस में सेल वर्ड को कैसे यूज करते हैं सेल हम मान लीजिए किसी ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल की है तो भी किया आई हैव सोल्ड माय प्रॉपर्टी किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी भी मान ले अपनी बाइक सेल की है या अपनी कार सेल की है तो भी हम यू कहते हैं सेल दैट वी आई हैव सोल्ड माय कार सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑफ सेल बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल इज अ लिटिल डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल का जो कॉन्सेप्ट है इट इज जस्ट एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट मूवेबल प्रॉपर्टी का मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूं जो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसैक्शन होती है ट्रांसफर्स होती है दे आर गवर्न बायर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हाव एवर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसफर्स है और एनीथिंग रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज गवर्न बायर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हाउ दिस प्रोसीड टू दिल So first and foremost, we will be discussing what are the essentials which are required to be fulfilled for a valid sale. First one being there have to be two different parties, buyer and seller. Last class I have told you two words, transferer and transferee. So transferor who is the person who transfers their property, and here our second person tha? transferee. अब नाउ वी विल रिलेट दीज टू वर्ड्स विद इज ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरी दन बी रिसीविंग दैट प्रॉपर्टी उसको हम कहेंगे बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो सेल में हम ट्रांसफर की जगह वर्ड यूज करते हैं सेलर और ट्रांसफरी की जगह वर्ड यूज करते हैं बायर So, there have to be two different parties. Seller and buyer cannot be the same person. So, this is a very important point that the seller and buyer cannot be the same person. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने खुद को ही ट्रांसफर कर ली इट हैज टू बी ट्रांसफर टू सम अनदर पर्सन अनदर पर्सन कैन बी अचुरल पर्सन या आप किसी कंपनी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी फॉर्म को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी ट्रस्ट को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं बट आप खुद को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें और फिर कहें कि आई हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सो फर्स्ट कंडीशन दैट इज टू बी फुलफिल्ड इज देयर हैव टू बी टू डिफरेंट पार्टीज फॉर अ वेलिड सेल सेकेंड पॉइंट दट इज बोथ पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर अब कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था इन डिटेल कॉम्पिटेंसी में हमारे तीन आस्पेक्ट थे कॉम्पिटेंसी टॉक्ड अबाउट थ्री आस्पेक्ट ब्रॉडली उनमें क्या क्या चीजें कवर थी फर्स्ट वॉज द पर्सन हु इज इधर द बायर और सेलर शुड नॉट बी अइनर ठीक है माइनर का क्या मतलब है इफ द पर्सन इधर हु इज सेलिंग द प्रॉपर्टी और बाइंग द प्रॉपर्टी इफ दे आर बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज तो वो सेल एक वैलिड सेल नहीं होगी सेकेंड द पर्सन बायर और सेलर शुड बी ऑफ साउंड माइंड दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड साउंड माइंड का मतलब दे शुड अंडरस्टैंड दफ देर एक्ट उनको सही और गलत की समझ होनी चाहिए उनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं तो उनसे उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सो दे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग दे शुड हैव दैट सेंस इंटैक्ट सो इसके अलावा जो थर्ड आस्पेक्ट था दैट दैट वॉज नॉट डिसक्वालिफाइड बाई लॉ अब इसकी भी मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी डिस्कालीफाइड बाई लॉ जिसने जिसपे लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप प्रॉपर्टी ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना खरीद सकते हैं ना नीदर यू कैन बी नॉर यू कैन बी अ सेलर नाउ हु कैन बी दीज पर्सन either it can be your enemy alien which i have already explained to you or any person who is declared insolvent by the court this, the person who has become bankrupt usko na property sell kar sakte ho na wo person buyer ho sakta hai na wo person seller ho hai. so that way second condition have to be fulfilled for the valid sale now third condition is your property to be transferred should be in existence आज आप जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं सपोज ए टेल्स बी दैट आई विल ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्स टू यू दे एंटर इन टू एन अग्रीमेंट ऑफ सेलिंग विच प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक्स नो दिस प्रॉपर्टी एक्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर ट्रांसफरिंग दी प्रॉपर्टी अब मान लीजिए इसमें एक ए जो है

जिसका वो अभी ओनर ही नहीं है जिसका ओनर वो मे बी दस साल बीस साल पचास साल बाद बनेगा वो उसे अभी ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो उसका ओनर नहीं है सो ओनली दैट प्रॉपर्टी इज इन जिसके आज आप ओनर हो आप वो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो आप ये नहीं कह सकते कल को फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी तो मैं अभी तुम्हें वो ट्रांसफर कर देता हूँ और बदले में तुम मुझे पैसे दे दो नो सच अ काइंड ऑफ सेल विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वैलिड सेल So, for a valid sale, the property that you are transferring today has to be in existence today itself. So, that is the third condition. Now, fourth is consideration for the transfer should be money. Now, consideration ka kya concept hai? A agrees to sell his property to B. Now, he is giving his property to B and in return, B is giving rupees 10 lakh to A. Now, what is consideration? For A, he is getting 10 lakh rupees. So, for him, this is the consideration. Okay? Now, what is B? Ko kya mil hai? Property X. So, for him, X is the consideration. So, consideration is anything which you are getting in return. जो कुछ भी बदले में आपको चीज मिल रही है वो पैसा भी हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है इट कैन बी एनीथिंग और इट कैन बी ऑल्सो प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर यू कि आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो बदले में आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं कि आई विल डू दिस फेवर फॉर यू तो दैट विल ऑल्सो बी अ अंसिडरेशन तो लेट्स सी कि वट इज द पॉइंट रिगार्डिंग द सेम इट सेज से फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी सेल के केस में हमेशा कंसिडरेशन मनी होती है अब इसका क्या डिफरेंस डिफरेंस है अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर से जब हम एक्सचेंज पढ़ेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एक वन पर्सन इज ट्रांसफरिंग देयर प्रॉपर्टी एंड द अदर पर्सन इज गिविंग मनी इन रिटर्न सो मनी और प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर सेल नाउ विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर बायर और सेलर की म्यूचुअल कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशन हैं एक दूसरे की तरफ नाउ लेट एस सी व्हाट आर राइट्स एंड लाइबिलिटीज फर्स्ट वी विल डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ द सेलर द पर्सन हु इज गिविंग अवे हिज प्रॉपर्टी उसकी लाइबिलिटीज क्या है लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे एज हिज ड्यूटीज भी समझ सकते हैं कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या है सो फर्स्ट वन बींग डिस्कलोज डिफेक्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रॉपर्टी आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहे हैं तो यू विल हैव टू टेल द बायर कि मेरी प्रॉपर्टी में ऐसे डिफेक्ट्स हैं मान लीजिए आपको पता है कि आपका घर इतना पुराना है कि ये दो साल तक भी नहीं टिक पाएगा। बट आप बायर को ऐसे सेल कर रहे हैं इट इज अ ब्रांड न्यू हाउस मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया है ये तो 20 साल तक हिलेगा ही नहीं तो वो क्या है दीज आर फॉल्स प्रॉमिसेज एंड यू आर हाइडिंग द डिफेक्ट एन लाइबिलिटीज इन द प्रॉपर्टीज

अब दो लोगों में सेलर और बायर में एग्रीमेंट हो गया कि सेलर विल बी गिविंग हिज प्रॉपर्टी टू द बायर इन अ टाइम स्पैन ऑफ मंथ्स अब वो दो महीने तक जब तक बायर उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है तो उसको उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करनी है और उसको अच्छी कंडीशन में बायर को रिटर्न करना है सो so ये भी किसकी ड्यूटी है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर देन बी ऑल पब्लिक चार्जेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टिल द डेट ऑफ डिलीवरी नौ पब्लिक चार्जेस क्या है आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका वाटर बिल है या आपको कोई भी टैक्स पे करना है रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी तो जब तक वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती वो सारे ड्यूज वो सारे चार्जेस सेलर को ही पे करने पड़ेंगे सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी यू कैन से लाइबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ द सेलर आफ्टर दिस वी हैव राइट्स ऑफ सेलर सेलर अब के राइट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन बींग कैन क्लेम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बायर अब जैसे ही सेलर ने बायर को घर की पोजेशन दे दी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो व्हाट विल ही एक्सपेक्ट कि इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन मिले इन रिटर्न उसको पैसा मिले अगर उसने घर ट्रांसफर कर दिया है तो नाउ कंसिडरेशन दैट इज प्राइस शुड बी गिवन टू हिम दैट इज इज राइट देन कलेक्ट रेंट एंड प्रोफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी पासिस टू बायर अब यहां पर जो इसके पर, जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई थी तो उस प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा था या कोई भी रेंट जनरेट हो रहा था तो वो किसके पास जा रहा था सेलर के पास नाउ दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर तो वो सभी रेंट और प्रॉफिट किसके पास जाएंगे दे विल गो टू बायर ठीक है नाउ लेट इस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लाइबिलिटीज ऑफ बायर अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने लाइबिलिटीज और राइट्स किसके पढ़े सेलर के नाउ वी विल डिस्कस द द द एंड राइट्स ऑफ बायर सो फर्स्ट वन सेज दैट पे टू सेलर द परचेज मनी लाइबिलिटी यहाँ पे भी क्या हम इसको ड्यूटी समझ सकते हैं कि बायर की ड्यूटी क्या होगी परचेज मनी देना सेलर को अब सेलर ने जब आपको उसका घर की घर की पोजेशन ट्रांसफर कर दी है सो व्हाट इज योर ड्यूटी व्हाट इज योर लाइबिलिटी कि यू शुड पे हिम दर्चेज मनी ठीक है कि उसने आपको फ्री में तो घर अपना डिलीवर किया नहीं है फ्री में तो ट्रांसफर किया नहीं है इन रिटर्न आपसे कुछ परचेज मनी एक्सपेक्ट की होगी सो एज बायर इट इज योर लाइबिलिटी और इट इज योर ड्यूटी टू पे हिम परचेज मनी देन बियर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन अगर फ्यूचर में आपने एक बार उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और कल को आप उस प्रॉपर्टी में कुछ भी तोड़ फाड़ करते हैं कुछ भी कोई दीवार तोड़ते हैं कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कंप्लीटली आपकी लाइबिलिटी है उसमें सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी आपको लगता है कि आपके फ्लोर पे तीन रूम्स हैं बट यू वांट कि दो बड़े बड़े रूम्स होने चाहिए तो आप दीवार तोड़ के उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं है इट इज कम्प्लीट दी कंप्लीटली द लाइबिलिटी ऑफ द बायर नो लेट इस डिस्कस द राइट्स ऑफ बायर ज पेड द परचेज मनी ही कैन कम्पे कंपेल द सेलर फॉर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अब यहां पर बायर ने सेलर को पूरे पैसे दे दिए कि हाँ मुझे तुम्हारा घर खरीदना है एक करोड़ रुपए दूंगा और उसने एक इन वन गो ही रुपीज टू यू नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वट इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर इज द राइट ऑफ द

सी यहां पर जो है लेसर वो पर्सन है जो कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है ठीक है और लेसी जो उस ट्रांसफर को रिसीव कर रहा है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेल और लीज में ब्रॉडली क्या डिफरेंस है सेल में और लीज में दोनों में इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ठीक है, करेक्ट ना वेयर डज द डिफरेंस लाइ सेल में आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी नाउ ही इज दी ओनर और वो आगे उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकता है उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट में भी दे सकता है सो बी बिकम दी बायर बिकम्स दूट ओनर ठीक है लीज में क्या होता है देर इज ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनली मतलब कि आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकते हो उसमें रह सकते हो उसका कुछ यूज कर सकते हो बट मतलब वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की गई है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की गई है इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट का अब कोई भी लैंड लॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को देता है तो वो उसको रहने के लिए देता है नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट टू एल्स नॉट फॉर द दर्पज ऑफ सिक्योरिंग अ लोन ऑन दैट प्रॉपर्टी सो ऑलवेज लीज इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड देयर इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो आप आप सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हो और इसका एग्जाम्पल है लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को आपको सिर्फ घर रहने के लिए दिया है इसलिए नहीं दिया है कि आप उसमें कुछ तोड़फाड़ करें या उसको किसी भी तरीके से कोई भी डिस्ट्रक्शन करें उस प्रॉपर्टी में ऑल राइट सो दिस वे लेसर एंड लेसी ये चीज समझ में आ गई डिफरेंस समझ में आ गया लीज और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है नाउ लेट एस डिस्कस दिस सेकेंड पॉइंट दैट इज राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी अब क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ लेसर लेसर कौन है जो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पज चाहे वो रेंट के लिए या किसी और चीज के लिए भी उसको ट्रांसफर कर सकता है सबसे पहली चीज है राइट क्या है लेसर का कि अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी को रेंट पे दी है तो वो रेंट कलेक्ट कर सकता है ठीक है और क्या राइट right है उसका कि जिस कंडीशन में उसने आपको आपकी उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसी कंडीशन में आपको उसको मेंटेन करना है आप उसको कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उसका कोई ऐसा यूज नहीं कर सकते विच विल बी हार्मफुल और विच विल बी विच विल कॉज एनी फॉर्म ऑफ लॉस टू लेसर दीज आर द राइट ऑफ लेसर अब इसी की सेम पर्सन की लाइबिलिटीज क्या है वट आर द लाइबिलिटीज ऑफ लेसर जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको अच्छी कंडीशन में उस किसी को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है एंड द सेम जैसे कि एक सेलर की ड्यूटीज थी या एक सेलर की लाइबिलिटी थी लेसर की भी वही लाइबिलिटीज हैं कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को चाहे उसके सिर्फ पोजेशन ही दे रहे हो तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज़ कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट्स हैं जो कल को उसको कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर की कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हुई यू नो दैट कि उस साल में घर गिर भी सकता है किसी को देर इज अ चांस दैट समवन मे डाई बिकॉज ऑफ दैट और सम फॉर्म ऑफ इंजरी मे बी कॉज टू समन सो यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दीज फैक्ट्स टू द पर्सन हु इज टेकिंग योर प्रॉपर्टी ऑन लीज दैट इज द लेसीज आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी सॉरी द लेसर नाउ लेट इज डिस्कस द राइट्स ऑफ लेसी इसके राइट्स क्या होंगे फर्स्ट इज टू एंजॉय पीसफुल पोजेशन अगर वो टाइमली आपको रेंट पे कर रहा है तो ही हैज द राइट टू एंजॉय पीसफुल पोजेशन एज अ लैंड लोर्ड आप उसको बार बार तंग नहीं कर सकते मेरा घर खाली कर दो या ऐसे कर लो ऐसे रहो ऐसे मत रहो सो so, बार बार यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द वे द इज यूजिंग योर प्रॉपर्टी ठीक है एक बार हो सकता है बिगिनिंग में आप उसको डायरेक्शंस दे दो बट वो अगर आपको टाइमली आपका रेंट पे कर रहा है तो बार बार आप उसके रहने में इंटरफेयर नहीं कर सकते नाउ लेट डिस्कस दिलिटीज और द ड्यूटीज द ड्यूटीज ऑफ लेसी अब इसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी अगर मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है तो सबसे पहले ड्यूटी क्या है आपकी जिस कंडीशन में आपको घर दिया गया है आपको उसी कंडीशन में उस घर को मेंटेन करना है ठीक है और घर रेंट पे लेने के बाद मान लीजिए कोई भी बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल है वाटर बिल है तो यू आर लाइबल टू एंटरटेन और यू आर लाइबल टू पे दोज बिल्स so this way you have certain as a lessee you have certain rights also and you have certain liabilities also so these are the broad categories of rights and liabilities of both the lessee as well as the lesser now with this let us move on to the next kind of transfer next kind of transfer we have is exchange Ab exchange ko main apu as, ex, uh, as an example explain hu. एंड बी दे ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी एक्स टू बी एंड इन रिटर्न बी टेल्स ए दट आई विल गिव यू माई प्रॉपर्टी वाई तो यहां पर इट इज लाइक अ सेल ओनली आपको सेल की तरह ही लगेगा बट यहां पर आप देखेंगे अगर कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न क्या मिल रहा है इसको भी प्रॉपर्टी मिल रही है और ए को भी प्रॉपर्टी मिल रही है यहां पर कंसिडरेशन प्राइस नहीं है यहां पर कंसिडरेशन प्रॉपर्टी है सो इन एक्सचेंज वट इज डन कंसिडरेशन इज नॉट प्राइस बट कंसिडरेशन इज नॉट योर प्राइस बट इट इज द प्रॉपर्टी तो जो एक्सचेंज में आपकी कंसिडरेशन है वो प्राइस नहीं होगी इट विल बी प्रॉपर्टी फॉर बोथ द पार्टी विल बी देशन इट इज द प्रॉपर्टी सेल में क्या होता है वन पर्सन इज गिविंग द प्रॉपर्टी दी अदर पर्सन इज गिविंग प्राइस इन कंसिडरेशन दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज सेल में क्या होगा आपका कंसिडरेशन प्राइस होगा बट एक्सचेंज में कंसिडरेशन क्या रहेगा आपका प्रॉपर्टी सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज में भी जैसे हम uh, हमने सेल में पढ़ा बायर और सेलर की कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी वैसे ही एक्सचेंज में ए एंड बी दोनों की कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं विच विल बी जस्ट द सेम एज बी डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सो दिस इज द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देंज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिल बस जो एक मेजर इसमें जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है Now, gift. Gift, सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि वी आर रिसीविंग समथिंग बट इन रिटर्न वी आर नॉट पेंग एनीथिंग फॉर इट तो कंसिडरेशन क्या है इसमें निल नो प्राइस नो प्रस

जहां कहीं पर भी आपने किसी को कंपेल करके कोई प्रॉपर्टी ली है या फ्रॉड से कोई प्रॉपर्टी ली है इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वैलिड ट्रांसफर तो हमेशा गिफ्ट में हम देखते हैं कि हर जिस पर्सन ने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है द सेलर हैज्रांसफर्ड देयर प्रॉपर्टी आउट ऑफ देयर ओन विल उसने अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गिफ्ट डोनर एंड डोनी इसमें भी टर्मिनोलॉजीज अलग हैं ट्रांसफर की जगह डोनर कौन है पर्सन गिफ्टिंग द प्रॉपर्टी जो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं ऑल राइट एंड हु डोनी डोनी इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट जो उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है तो दिस वे दिस इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट डोनर जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है डोनेट कर रहा है एक तरीके से और डोनी जो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है इफ द डोनी एक्सपायर बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इट बिकम्स वॉइड नाउ लेट लेटस अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है ए ने बी को कहा कि आई विल गिव यू माई प्रॉपर्टी एक्स बाय वे ऑफ गिफ्ट And this will be transferred to you within a time span of one year. Within year, this property will be transferred to you. But within this time span, ek saal ke andar andar, if this person dies, the doni dies, so the transfer will become invalid and gift will lapse. So this transfer will lapse ho and transfer will not be a valid transfer. So what is the essential criteria to constitute a gift? गिफ्ट में क्या मिसिंग है कंसिडरेशन कंसिडरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द गिफ्ट तो गिफ्ट में भी इसमें भी लाइक वाइज जो बायर और सेलर की हमने सबसे पहले सेल में राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी थी लाइक वाइज डोनर एंड डोनी की भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर सिमिलर टू ओनली

तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर तो सेल में क्या है ट्रांसफर ओनरशिप जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ लीज जो मैं आपको बता रही थी कि सेल में हमेशा ओनरशिप ट्रांसफर होती है द अदर पर्सन हु इज रिसीविंग द प्रॉपर्टी दैट इज द बायर बायर को जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो आगे उसको कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है हो सकता है वो किसी और को सेल करे हो सकता है कि वो उस पर कोई लोन ले हो सकता है कि उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करे इट इज कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द बायर देन लीज में क्या है ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप लिमिटेड ओनरशिप का क्या मतलब है देर इज ट्रांसफर ऑफ वी कैन से ओनरशिप अगर एक पूरा बड़ा सर्कल है, मान लीजिए, तो पोजेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा है तो लीज में आप ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा लिमिटेड ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं तो दैट इज लीज फॉर यू देन एक्सचेंज में क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अदर प्रॉपर्टी यहाँ पे There is transfer of ownership, but in return, आपको क्या मिलता है प्रॉपर्टी ओनली यू डू नॉट रिसी फॉर्म ऑफ प्राइस एक्सचेंज में क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट का असेंशियल फीचर ही ये है कि गिफ्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है वन पार्टी इज गिविंग देयर पार्टी टू दी अदर फॉर फ्री इन रिटर्न वो उससे कुछ भी नहीं ले रहे हैं ना तो पैसा ले रहे हैं ना बदले में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना कोई और बेनिफिट ले रहे हैं तो दैट इज वॉट गिफ्ट इज अबाउट देन लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशन कंसिडरेशन के बेसिस पे हम इनको डिफरशिएट करते हैं सेल में कंसिडरेशन क्या होता है हमेशा इट इज द प्राइस वन पार्टी इज गिविंग द प्रॉपर्टी दर पार्टी इज गिविंग प्राइस इन रिटर्न लीज में क्या होता है रेंट ठीक है यहाँ पे आप किसी को पोजेशन दे रहे हो इन रिटर्न वो आपको क्या दे रहा है रेंट प्रोवाइड कर रहा है एक्सचेंज में क्या है अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज सेल में आपको बदले में पैसे मिलते हैं एक्सचेंज में बदले में आपको कोई और प्रॉपर्टी मिल जाती है ठीक है लाइक वाइज फॉर गिफ्ट देर इज नो कंसिडरेशन सेल में तो बदले में द पर्सन हु इज द बायर और हु इज़ द सेलर सेलर को कुछ भी बदले में मिलता नहीं है प्रॉपर्टी टू यू नाउ व्हाट इज सेल हमेशा में होती है थीके? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट वन में व्हाट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल और उसमें हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी ट्रांसफर होगी उसे हमें रजिस्टर कराना कंपलसरी है नाउ लेट सी व्हाट इज देयर सेल के लिए सेल डीड शुड ऑलवेज बी रजिस्टर्ड लीज में लीज शुड ऑलवेज बी रजिस्टर्ड एक्सचेंज में भी सेल डीड ही बनती है विच टू बी रजिस्टर्ड एंड गिफ्ट के लिए गिफ्ट ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड क्योंकि यहाँ पे इन चारों कॉन्सेप्ट में वट इज बींग ट्रांसफर्ड इट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड और जहां कहीं पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा वहां पर आपको वो रजिस्टर कराना एज अ डॉक्यूमेंट उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन दीज फोर काइंड ऑफ ट्रांसफर्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ विद दिस लेट दिसट प्रोसीड टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में द वर्ड इज इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट जहां पर आपका माइंड का कोई एप्लीकेशन है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय क्रिएशन और एप्लीकेशन ऑफ माइंड ठीक है जहां पर कहीं पर भी आपने आपका माइंड अप्लाई करके और यूजिंग योर नॉलेज यू हैव क्रिएटेड समथिंग दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी वो कुछ भी हो सकता है इट कैन बी व्हाट ऑल कैन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट कैन बी योर इन्वेंशन कि आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस नया इन्वेंट किया है कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यू इन्वेंट किया है या जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन इंट्रोड्यूस वो भी क्या थी नई नई इन्वेंशन थी ठीक है इन्वेंशन के अलावा हो सकता है कि आपने कोई बुक लिखी है या आपने कोई सॉन्ग कंपोज किया है या आपने कोई कार का डिजाइन बनाया है दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ये सब क्या है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अब जिस किसी ने भी ये सब चीजें की हैं ऑफ कोर्स दे नीड सम फॉर्म ऑफ रिकोगशन उस चीज को रिकग्नाइज करने के लिए उस चीज से जो भी एडवांटेजेस मिलेंगे जो भी प्रॉफिट्स जनरेट होंगे वो किसे मिलने चाहिए द पर्सन हु हैज क्रिएटेड ठीक है सो दैट वे वी नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हमारे ब्रॉडली फाइव टाइप्स के हैं फर्स्ट वन इज योर ट्रेडमार्क देन पेटेंट Then copyright, fourth one is design, fifth is your geographical indications. Now let us discuss all of them in little detail. So sabse pehle hai aapka trademark. तो so, trademark ka kya example ho sakta hai Trademark can be कोई भी company का कोई भी logo हो सकता है, कोई trademark हो सकता है, which helps it differentiate between the other companies. फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे जो डिजिटल अप्लाइंसिस हैं फॉर एग्जाम्पल हमें लैपटॉप ही लेना है तो उसको भी सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है लेनोवो है, है हमारे पास डेल है हमारे पास एप्पल भी है तो हाई इन हर सभी कंपनीज के अपने trademarks अपने ट्रेडमार्क हैं अपने अपने सिम्बल्स हैं तो वो भी क्या है उनके दे हेल्प्स देम इन डिफ्रेंशिएशन ठीक है कि और ट्रेडमार्क का क्या बेनिफिट होता है इट क्रिएट्स अ मार्केट वैल्यू for the brand or your product. अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कुछ लोग हैं जो सिर्फ डेल uh, के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कुछ लोग हैं जो सिर्फ लेनोवो uh, के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सो so वे हर ट्रेडमार्क से उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू जनरेट हो जाती है उसकी गुडविल भी जनरेट हो जाती है इसलिए हमें ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वी हैव ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्शन एक्ट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दैट इज योर पेटेंट्स पेटेंट्स क्या है आपके योर जैसे मैंने आपको कोविड टाइम्स में बताया कि वैक्सीन कोई सारी वैक्सीन की इन्वेंशन हुई थी तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे दे आर प्रोटेक्टेड बाई वे ऑफ योर पेटेंट्स कि अगर आपने मान लीजिए कोई वैक्सीन को इन्वेंट किया है तो आप उसे पेटेंट करा सकते हैं और जो भी वो पेटेंट होल्डर होगा उसको ही सारे एडवांटेजेस होंगे उसको ही सारे राइट्स मिलेंगे कि वो अपनी इन्वेंशन किसके साथ शेयर करना चाहता है कहां सेल करना चाहता है कहां उसका यूज रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल टू द पेटेंट होल्डर पेटेंट पेटेंट्स के बाद आपका नेक्स्ट राइट right आ जाता है कॉपीराइट कॉपीराइट आपका क्या प्रोटेक्ट करते हैं दे प्रोटेक्ट योर आर्टिस्टिक वर्क्स और योर लिटरेरी वर्क्स या आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है तो ऑल दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर योर कॉपीराइट्स आर्टिस्टिक वर्क क्या है आपने कोई पेंटिंग बनाई है तो आप उसे कॉपी करा सकते हैं लिटरेरी वर्क क्या है आपने कोई भी बुक लिखी है मान लीजिए या आपने कोई सॉन्ग कंपोज किया है एनी थिंग यू कैन प्रोटेक्ट इट और यू कैन गेट द एक्सक्लूसिव राइट्स बाय वे ऑफ

को कंसिडर कर सकते हैं प्रोग्राम्स में आपने कोडिंग डी का कोई प्रोग्राम नया जनरेट किया है तो उसको भी आप क्या करवा सकते हैं कॉपी इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है दैट इज डिजाइन डिजाइन में कुछ भी हो सकता है आपने कोई लोगो बनाया है या आपने कोई कार का डिजाइन बनाया है या आपने मोबाइल का डिजाइन बनाया है या आपने कोई भी ग्राफिकल डिजाइन क्रिएट किया है न्यू तो उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस है स्पेशल स्टैचूस हैं फॉर प्रोटेक्शन ठीक है इसके अलावा जो हमारा लास्ट कैटेगरी आ जाता है दैट इज योर जो ग्राफिकल इंडिकेशन अब जो ग्राफिकल इंडिकेशन क्या है एज वी नो कहीं कहीं जगह की कुछ कुछ चीजें बहुत स्पेशल होती हैं जैसे कि दार्जिलिंग और योर एल्फों मैंगो और योर कश्मीर से आपका पश्मीना ये क्या है सभी दीज आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक जगह की क्योंकि बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशन वो चीज वहीं पर पाई जाती है या वहीं पर ही बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस होती है तो हम उसे वहां का जी आई टैग दे देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देते हैं विल बी सेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग दे विल उनकी अलग से रिकोगशन होगी उनकी अलग से प्राइसिंग होगी उनकी अलग से सेलिंग होगी तो उस पर्टिकुलर जगह की उस चीज को स्पेशल रिकग्निशन देने के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस देने के लिए या उसकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए वी हैव डेवलप्ड दी कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन तो दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें भी एक फर्दर चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इन राइट्स के अंदर जो भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो प्रोटेक्शन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होती है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ या जब तक वो चीज एग्जिस्ट करेगी वो उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आपको ही मिलेंगे तो यहां पर जो प्रोटेक्शन भी मिलती है द प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू यू इज लिमिटेड इज फॉर लिमिटेड टाइप टाइम फ्रेम अब इसका क्या मतलब हुआ मान लीजिए किसी ने कोई न्यू मेडिसिन इन्वेंट की है तो आप उसका पेटेंट ले लेते हैं तो वो पेटेंट के अंडर जो प्रोटेक्शन है वो आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा और उसमें भी हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो दवाई आपने इन्वेंट की है उसको हम ग्रेटर पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो सकता है वो आपको पेटेंट ग्रांट ना करे ठीक है सो दैट वे दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन पर भी कुछ कंडीशन लगाई जा सकती हैं और इनका जो टाइम फ्रेम है या टाइम पीरियड जब तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी वो इनफाइनाइट नहीं है इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली ऑल राइट सो विद दिस वी आर डन विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नाउ लेट एस डिस्कस द्वेश्चन एंड आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर गिफ्ट ऑप्शंस क्या-क्या है हमारे पास फर्स्ट वन बीइंग कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज सेकंड इज रजिस्ट्रेशन सी कंसीडरेशन एंड डी इज वेलिड ट्रांसफर तो इसका आंसर है कंसीडरेशन व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गिफ्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है कंसीडरेशन गिफ्ट में कंसीडरेशन देना जरूरी नहीं है ठीक है नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फर्स्ट वन बी कंसिडरेशन फॉर सेल इज प्राइस में भी पढ़ा जब भी सेल होती है तो सेल के लिए कंसिडरेशन क्या है प्राइस देन कंसिडरेशन फॉर सेल इज प्रॉपर्टी दिस इज फॉल्स बिकॉज ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है देन कंसिडरेशन फॉर सेल इज अ प्रोमिस दिस इज ऑल्सो फॉल्स no consideration is required for sale this is also false so the question instead of the word false here it should have been true which of the following is true so it is option a which is true all right now let us proceed to the next question now what constitutes a valid gift in me se konsa hai usko valid gift a transfers his property to B and receives rupees 10 lakh as consideration. So it is not a gift. because here 10 lakh rupees consideration. Second, A transfers his property and receives B's property in return. No, it is not a gift, it is exchange. First, this is sale and this is exchange. Now, C option says A transfers his property to B and receives nothing in consideration. This is

This is correct. Then in sale, property is the consideration for transfer. This is not correct. Here, consideration is price. In gift, property is the consideration. No, this is not correct. In lease, property is the consideration. Here, rent is the consideration, not the property. So it is option A, which is the correct answer. Now let's move forward to the next question. Which of the following is true with respect to transfer by way of lease? Lease ko leke, which of the following is true? Option A says that there is transfer of ownership. No, lease me transfer of ownership nahi hoti. Lease me limited ownership transfer hoti hai. That is by way of possession. Then there is transfer of possession only. This is right.

Which of the following are intellectual property rights In se, kaun, kaun se intellectual property rights hai? first one being trademark copyright patent and gift gift is not intellectual property rights so this is incorrect trademark copyright gift sale lease ye inme se koi bhi intellectual property right nahi hai. then trademark copyright patent and designs ye sabhi hamare iprs hai. then trademark copyright exchange is not

करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज ऑप्शन बी ठीक है इसके बाद हमारा विच ऑफ दिस्पेक्ट टू कॉपी राइटर लिटरेरी वर्क दैट इज ट्रू ने प्रोटेक्ट यूर वर्क रिलेटेड टू इन्वेंशन नो इन्वेंशन को कौन प्रोटेक्ट करता है हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कवर किया इट इज द्वारा Then they protect your artistic work. <coughs> so, here this is also true. So, copyrights ke liye option A and C both are correct. Alright. Iske now let's move to the next question. Question 10 Do we enjoy the protection under IPRs for infinite time? This I have already discussed with you. आई पी आर के अंडर जो हमें प्रोटेक्शन है वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है नॉट फॉर इनफाइनाइट टाइम सो नो सो दैट इज ऑल विदेश ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स वी हैव कवर टू डे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे क्लास आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्टो एवरी वन ऑल ऑफ यू है नाइस डे थैंक गुड डे